अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रात के 12 बजे होंगे और हम जा रहे होंगे और हम जा भी रहे हैं। ये चेक कर सकते हैं जी आप लोग, टाइम हो गया जी तकरीबन 12:07 और 56 सेकंड। आज का मिशन बहुत बड़ा मिशन है। मिशन ये है कि रिम हमें नहीं मिल रही। तो गाइस सीन ये है कि एक बंदा मिला मुझे, उसके साथ मेरी बातचीत हुई रिम्स के मुतालिक, BMW के। उसके पास ऐसा चोखा रिम भरा, ऐसा चोखा रिम भरा, बहुत एस्टैब्लिश। क्या तुम बहुत ही चोखा सर, उसका साइज ही नहीं मान, चिट्टा रिम है, चिट्टा पूरे चिकना रिम, बहुत खूबसूरत मुझे लगा। उसने तस्वीरें मुझे भेजी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा यार रिम किधर भरा हुआ है, वो कहता भाई रिम तो दुबई भरा हुआ है। ये क्या है, ये काम आपने खराब किया। जिंदगी में बाकी काम आपने अच्छे किए लेकिन ये खराब किया, ये ना करो बेटा। बहुत टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन, ठीक है। ओरिजिनल BM का रिम है भाईजान, वो कंपटीशन का, और कंपटीशन पैकेज जो सा मॉडल है वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो वाला रिम है। ये चले आप लोगों को बता देता हूँ कि 20 इंच का रिम है, बहुत खूबसूरत रिम है। मतलब लगेगा आपको चस आएगी, मुझे तो बहुत आएगी क्योंकि मेरे पैसे लग रहे हैं ना बॉस। तब हम जा रहे हैं हमारे साथ चिट्टा, चिट्टा अदला, हेलो बड़ा अदला ना, 150 रुपया देगा। गाइस हम लोग पहुंच गए बिलाल भाई के पास। ये बिलाल भाई हैं और एक भैया आपका नाम क्या है, अहमद भाई। इनसे हमारी डील हो गई है, हम लोगों ने इनसे सामान मंगवाना है। तो सर जरा रिम्स का हमें बताएं कि कितने इंच है और क्या उनके जेजे हैं। 20 इंच है, ठीक है, ठीक है, 10 जेजे, ठीक है और 120 PSP। आप सबसे पहले तो अपने पेज का नाम बताएं। टीम एमसीपी। तो इतने देर में हमारे पास रिम पहुंच जाएंगे। आपने किसी किस्म का भी जर्मन का सामान लेना हो तो भाई सर रब्ता करें, नंबर आपको मैं दूंगा, नहीं तो इनका पेज आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से आप नंबर ले लीजिएगा भाई का। तो भाई ये एरिया कौन सा जिधर हमारे, तो जी भाई से किसी किस्म का भी सामान चाहिए हो आप लोग बिला झिझक आए भाई से सामान ले, हमारी फील हो रही है। नहीं नहीं कमीशन कमीशन वाला कोई चक्कर नहीं है भाई साहब, रिम्स मंगवाते हैं वो आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी मैं रिम्स रिवील नहीं करूंगा आपके साथ, इतना शेयर कर दिया मैंने कितने इंच है, 10 इंच है ना, 10 इंच है। तो ओरिजिनल एम के रिम है, कंपटीशन पैकेज के जी। चलें जी, अब भाई को जरा पैसे पूसे दे दें फिर आपसे बात करें। 15 मिनट्स लेटर हम लोगों ने बिलाल भाई को पेमेंट कर दी है, थोड़ा सा एडवांस दिया है क्योंकि रिम उन्होंने बुक करना था आगे दुबई, थोड़े से पैसे भेजने थे अपने वेंडर को ताकि वो वहां से हमें पैकिंग करके तो भेज देता। आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूं तो ये देखें पैसे मैंने उनको भेज दिए, देखें जी 90K ट्रांसफ़र, उन्होंने कहा 29 तक मिल जाएंगे। 29 तारीख, आज तारीख है, आज देखें जी आज है 25, आज 25 है, तो उन्होंने कहा 29 तक रिम्स हमें मिल जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। क्यों चौधरी जी, ठीक है इंशाल्लाह जानू आ जाएंगे 29 तक, बहुत प्यारी चीज है, साइज बहुत मजा का है भाई, बहुत खूबसूरत रिम है, बहुत खूबसूरत रिम गाड़ी पे लगा, बहुत प्यारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अगला मिशन ये है कि रिम भाई हमें खाली मिल गया, टायर्स नहीं मिले, 20 इंच का टायर भी ढूंढना है, मिशन है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। एक दो बंदों से कोट हुए हैं मुझे टायर्स भी, लेकिन ये है कि पहले रिम आ जाए फिर उसकी डायमेंशंस के हिसाब से उसके वैसे तो 10 जेजे है, ऑफसेट मुझे कंफर्म नहीं है रिम का, मैं एक पूछ लूँ भाई से। बिलाल भाई इसका ऑफसेट क्या है रिम का, आइडिया है कुछ क्या चीज़? चले सुबह मुझे ना इसका ऑफसेट भी कंफर्म कर दीजिएगा और सुबह इसकी वीडियो भी जोन से ना मुझे बना के भेज दीजिएगा। हाँ नहीं होगा पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में तो नहीं होगा, वो नेचुरल कैम्बर हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा, वो एयर पे हो जाता है, नेचुरल कैम्बर वैसे BM में आया था, तो ऐसी ऐसी ऐसी। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, उनको पेमेंट तो देती है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बाकी रस्ते में मुलाकात होती है आपसे। 20 मिनट्स लेटर एडवांस दे दिया हम लोगों ने और 29 को उन्होंने किया कमिटमेंट के डेड फाइन, बट डेट है कि हम दे देंगे, अगर नहीं तो पहले भी हो सकता है आ जाए, लेकिन हम आएंगे फिर हम लगाएंगे चीज पा करेंगे। ये सबसे बड़ा ये फोरम, ओह माय गॉड, बिग इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे चले गए। तो जी रिम जब आएंगे फिर हम आपको मुनाजिर दिखाएंगे रिम के,
कितने चलेंगे लेने? हाँ, रिम का साइज मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा रिपीट करता हूं, चलो 20 इंच का रिम है, कंपटीशन बड़ा प्यारा सा 10 जजे कर दिए, 10 जजे कर दिए। अभी हम भाई को पता कैसे फिटमेंट बिठानी है, बिठा लेंगे सर, हमने लोगों को सिखाई है, हम नहीं आए, हम नहीं आते, हम बैठे हैं, कोई रोजा ही नहीं है जान। सर देखिए, जिंदगी में इतने इतने काम किए हैं, रिबर्थ बनाई है, मार्केट तैयार की है, कोरोना तैयार की है, बड़ी गाड़ियां तैयार की है, रिबर्थ भी जब मैं करने लगा था ना, तुम्हारे भी लोग क्या कहते थे कि तू पागल है, कहते थे ना भाई लोग, तूने 10.5 इंच डालना है, मैं कहा यार मैं डाल दूंगा बॉस, फिर आपके भाई ने डाला, को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन किसी को बात नहीं करनी चाहिए, अगर कोई बंदा मेरे से ऊपर है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसकी चीज की भी, उसकी रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए कि उसने मेरे से ज्यादा मेहनत की है, मेरे से ज्यादा दिमाग लड़ाया, पैसा खर्च किया है, और लोगों ने आजकल ना कम्युनिटी में बड़ी एक गंदी सी चीज पे लाई हुई है कि यार टीम सिनिस्टर वाले तो 101 पे रहते हैं, ये करते हैं, हमने 101 वाला कोई ट्रेंड नहीं सेट किया ना, हम लोगों को कहते हैं कि भी कैप्शनों में 101 लिखो, लोग हमारी चीजों के नीचे अगर कमेंट करते हैं 101 तो उनको पसंद आती है, वो लोग करते हैं यार, वैसे हम तो नहीं कहते किसी को, हम तो सबको कहते हैं कि यार 101 बनाए, आए हमारे साथ रल के करें, ठीक है, जो चीज मुझे नहीं पता हमें बताएं, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को अपने शहर का नाम रोशन कर सके, तो कोई देखने वाला कहे कि भाई हाँ ये लाहौर के लड़के यारी दोस्ती सबसे अप्रिशिएट करें, लेकिन अपनी चीज को आप सबसे पहले प्रमोट करें, अगर मेरा ग्रुप है ना ये सिनिस्टर, देख रहे हैं स्टिकर टीम सिनिस्टर, तो मैं इसको सबसे आगे रखूंगा, मेरे लिए इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से चल रहे हैं ना, वो इसी वजह से चाह रहे हैं कि कम्युनिटी यूनिटी यूनिटी है, हम सब जो हमारे ग्रुप की कम्युनिटी है उसको अच्छी तरह यूनियन के साथ रखा है, कैसी है, एक बज गया घर में कह के आया था कि हम लोग कहां जा रहे हैं चौधरी, बस ये साथ ही लेक सिटी तक, बस इधर ही जा रहे हैं, इधर ही आगे, बस हम घर में ये कह के आए थे, टाइम देखे क्या हो गया, अब हम घर जा रहे हैं, शूटर ही बाहर भी जरा नापते हैं, आज हर नापते, मैं कह रहा हूँ दस्ती घर पहुंचे, चले जी मार भी अपने पूरे ही देखे, डोमिनो ट्रेटो चिट्टा जी ने कहा है कि यार हम हल्का फुल्का ना, चल इनको ना तीन दिखाते हैं रिम, उनमें से ये लोग देखे कौन सा रिम, चार दिखा दो, उनमें से है एक, ठीक है मार भी दिखाओ, आप लोगों ने गैस करना है और बताना है कि कौन सा सूट करेगा, अगर कोई जो आप लोग ज्यादा कहेंगे हो सकता है फिर मैं वही वाला मंगवा लूँ, जो मैंने उसको कहा वो कैंसिल करा, चलो दिखाओ यार, ये देखें जी ये क्रीम तो गाइस ये है, ठीक है ये 19 का रिम है जी, HRE परफॉर्मेंस व्हील्स इनका नाम है, ठीक है ये 19 का रिम है और ये है 9.5 जजे, अगले रिम पे आ जाए तो ये बीमर का रिम है, ये 19 में भी अवेलेबल है और ये 20 में भी अवेलेबल है, और ये कितने जजे था, ये 10 जजे था, और ये वाला रिम देखें, ये रिम मैं पातफ की गाड़ी पे भी लगा था, ये पातफ का था मेरा ख्याल है 9.5-10 जजे, ये भी सेम उसी तरह की चीज़ है, और एंड में आता है ये, अब ये हाँ ये मजेदार चीज़ है, सेकंड नंबर वाला है ना रिम, इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके जी अल्लाह हाफिज़।